यार आज मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा प्लग होता है, प्लग में जो थर्ड टर्मिनल होता है यानी कि जो ग्राउंड के लिए यूज़ होता है, उसको क्यों मोटा किया जाता है, यानी कि उसका जो साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कोई फैक्ट नहीं बता रहा, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने हिसाब से कर रखी है और कॉस्ट बढ़ाने के लिए कर रखा है ताकि जो प्लग का कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ये सारे रीज़न दे रहे हैं और लोग इनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन सही नॉलेज कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सही नॉलेज होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके लिए हमें थोड़े से लॉजिक को समझना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। तो इसके लिए आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि जो हमारा थर्ड टर्मिनल होता है प्लग के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। इस किस लिए होता है, सिंपल सा ओम्स लॉ समझिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हम किसी कंडक्टर के साइज़ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, थ्री पिन प्लग है मेरे पास, मान लिया मैंने वो ख़रीदा 100 रुपये का। अब 100 रुपये में कोई मुझे चांदी या सोना दे नहीं देगा, तो 100 रुपये का प्लग है उसमें जो मेरे लगे हुए हैं वो कॉपर के लगे हुए हैं, मान लिया दो फेस और न्यूट्रल के टर्मिनल कॉपर के लगे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड के लिए उसको थोड़ा सा लार्ज कर दिया जाता है ताकि उसी कंडक्टर के मटेरियल का यूज़ किया जा सके। अब ग्राउंड में मेरे पास करंट जल्दी से फ्लो होती है क्योंकि ग्राउंड सेफ्टी पर्पस के लिए होती है, इसलिए वहाँ पे जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। कम रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगी, जिसकी वजह से जो भी जिसको भी शॉक लगेगा या लगने वाला है वो जल्दी बच सकता है। इसके लिए उस टर्मिनल को मोटा किया जाता है। अब मोटा कर दिया जाता है, उसको उसी साइज़ का भी रखा जा सकता है जितना हमारा फेस न्यूट्रल है, बट उसके लिए क्या करना होगा कि दूसरे किसी मेटल का यूज़ करना होगा, यानी कि मान लिया सिल्वर या फिर गोल्ड, जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन हम अब 100 रुपये के प्लग में हम उसको यूज़ तो कर नहीं सकते, लेकिन हम उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम थर्थिंग के टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस है उसको हम आसानी से कम कर सकते हैं। एक और चीज़ समझ लीजिए आप कि जो न्यूट्रल होता है वो हमारा फेस से निकलने वाली करंट को अपने अंदर कंज्यूम करता है, मतलब फेस से करंट निकल के न्यूट्रल में जाती है, ठीक। लेकिन क्या होता है तो वो थोड़ा सा कम स्पीड में होता है, बट जो हमारा कभी भी अर्थ में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है यानी कि जो सप्लाई सीधे अर्थ में जाती है उसका टाइम बहुत फास्ट होता है। फास्ट होने के हमारा पाथ एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि पाथ में होने वाला जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम होना चाहिए, जिसकी वजह से इसके साइज़ को मोटा कर दिया जाता है। अब साइज़ मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि जो अर्थ करंट है वो आसानी से पास हो जाएगी। अगर मोटा नहीं करेंगे तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उसी मटेरियल का इन्होंने उसी साइज़ का कर दिया, यानी कि जो फेस न्यूट्रल के टर्मिनल है उसी साइज़ का इन्होंने ग्राउंड वायर को भी कर दिया, मतलब ग्राउंड टर्मिनल को भी कर दिया। बट क्या होगा कि हमारा जो अर्थ में जाने वाली करंट है उसका टाइम जो फास्ट होता है, तो मान लिया हमारा जो थर्ड टर्मिनल है ग्राउंड वाला उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे जितने लॉस है यहीं होने लगेंगे, यानी I² R लॉसेज यहीं पे होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, या जो हमारा कंडक्टर लगा हुआ यानी थर्ड टर्मिनल लगा हुआ वो वहीं पर मेल्ट हो जाएगा और हमारी करंट ग्राउंड तक पास ही नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने का बहुत भयंकर खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से इस टर्मिनल को मोटा किया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस रीज़न की वजह से इस टर्मिनल को मोटा किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या रीज़न्स है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।